हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम मिनिमल स्पैनिंग ट्री देखने बनाने का एक और एग्जांपल देखेंगे। कल की वीडियो में आपने उसके एल्गोरिथम के स्टेप्स और एक एग्जांपल बुक से आपने देखा था उस रिकॉर्डेड वीडियो में। आज एक सॉल्व करके देखते हैं। दिस इज द ग्राफ फ्रॉम वेयर इट इज रिक्वायर्ड टू फाइंड मिनिमल स्पैनिंग ट्री। आपको एक ग्राफ दिया हुआ है और इस ग्राफ के सारे वर्टेक्स को लेते हुए हमको मिनिमल स्पैनिंग ट्री बनाना है, क्योंकि इस ग्राफ के सारे एजेस में उसकी वेट वैल्यू या लेंथ वैल्यू दिया हुआ है। तो सारे वर्टेक्स को इंक्लूड करके जो ट्री बनाएंगे वो स्पैनिंग ट्री मिनिमल होगा अगर उन वेट्स की वैल्यू हम देखें वो कम से कम आए। और इसके लिए कल हमने क्रुस्कल एल्गोरिथम देखा था, उसी क्रुस्कल एल्गोरिथम को फॉलो करते हुए हम फिर से मिनिमल स्पैनिंग ट्री बनाएंगे। तो अकॉर्डिंग टू क्रुस्कल एल्गोरिथम हमें सबसे पहले क्या करना था, जितने भी ये वेट वैल्यू अलग अलग एजेस के दिए हुए हैं उसको नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना रहता है। तो नॉन डिक्रीजिंग को सीधा आप समझे, लोएस्ट वैल्यू से हाईएस्ट वैल्यू की तरफ इंक्रीजिंग ऑर्डर में उसको अरेंज कर लीजिए। लकली इस ग्राफ में हमको ऐसा कोई भी एज दिखाई नहीं दे रहा है जिसकी दो एजेस की वैल्यू सेम हो या तीन एजेस की वेट वैल्यू सेम हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसमें सबसे मिनिमम वेट है ए सी या सी भी बोल सकते हैं, ये लिस्ट में हमने बना दिया, इसको सबसे पहले रख लिए। नेक्स्ट वेट वैल्यू है उससे बड़ा टू, बिटवीन बी बी या बी डी, तो बी डी की वेट वैल्यू टू, देन थ्री जी ई या ई जी, देन फोर बिटवीन बी ई, ऐसे ही फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन और उसका फाइनल है 14। इंक्रीजिंग ऑर्डर में सारे एजेस को हमने रखे। अब क्रुस्कल एल्गोरिथम हमसे कहता है कि आप सबसे पहले मिनिमम वेट वाले एज से स्टार्ट करें। जिसमें मिनिमम वेट वाले एज है ए सी। हम स्पैनिंग ट्री बनाने जा रहे हैं, मिनिमल स्पैनिंग ट्री बनाने जा रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 सारे 7 वर्टेक्स उसमें इंक्लूडेड होने चाहिए। ट्री बन रहा है कहीं सर्किट नहीं होगा। तो स्टार्ट करना है हमको सबसे कम वेट वाले एज से, तो हम ले लेते हैं ए सी। जिस टाइप से आपका मेन ग्राफ में वैसी आप उसको लिखेंगे, वेट है 1। अब इसके बाद हमको देखना है सी और ए वर्टेक्स से लगा हुआ दूसरे कौन कौन से एजेस हैं जो मिनिमम वैल्यू के साथ हैं। इस लिस्ट में अगर हम देखते हैं तो नेक्स्ट वेट वैल्यू है 2 है इस तरफ। तो अकॉर्डिंग टू क्रुस्कल एल्गोरिथम हमको तो मिनिमम एज के अकॉर्डिंग चलना है। तो नेक्स्ट मिनिमम वेट हम 1 के बाद 2 देखते हैं, इधर बी डी है तो हम इधर बी डी ले लेते हैं। क्रुस्कल एल्गोरिथम मिनिमम वेट से स्टार्ट करने बोलता है और उसी के अकॉर्डिंग आगे बढ़ते जाता है। अभी हमारे 5 7 में से 4 वर्टेक्स आ गए और मिनिमम वेट वाले आ गए 2 एजेस। अब हम फिर से देखते हैं कि बाकी वर्टाइसेस को लेने के लिए नेक्स्ट मिनिमम एज वाला कौन सा साइड कौन सा एज लिया जा सकता है। तो 2 के बाद देखिए 3 ई जी, ई और जी को ले सकते हैं क्या, हमने लिया है ए सी और बी डी, ये ले सकते हैं, कहीं लूप नहीं बढ़ रहे हैं। इधर साइड में लिख रहा हूँ ई जी, ई जी। अब ये तीनों कंपोनेंट अलग है, सब आपस में कनेक्टेड होना चाहिए, क्योंकि ट्री क्या होता है, ए सिंपल कनेक्टेड ग्राफ विदाउट एनी सर्किट। चलिए 1 2 और 3 वेट वाले ये 3 एज ले लिए। नेक्स्ट वेट है बिटवीन बी ई, 4 बी और ई, क्या ये लिया जा सकता है? हाँ लिया जा सकता है, क्योंकि बी और ई को हम कनेक्ट करेंगे तो ये कहीं सर्किट नहीं बन रहा है और ये कनेक्शन भी होते जा रहे हैं। नेक्स्ट वेट इज 5 बिटवीन डी एंड जी, डी जी। अब देखिए डी जी को लेने पे अगर हम इसको ले लेते हैं वेट वाइज इंक्रीजिंग ऑर्डर में 1 2 3 4 और 5 अगर लेते हैं तो ये सर्किट बन जाएगा जो ट्री में नहीं होना चाहिए, इसलिए वेट वैल्यू 5 वाले को अभी हम नहीं लेंगे। अब हम नेक्स्ट सोचते हैं 6 वेट 6 वाला एज है आपका डी ई, क्या ये लिया जा सकता है?
अगर D और E को हम कनेक्ट करेंगे तो फिर से एक ट्रायंगल एक सर्किल बन जाएगा, ये भी हम नहीं ले सकते, तो D को भी हम डिस्कार्ड करते हैं। नेक्स्ट वेट देखते हैं, सेवन है बिटवीन बी सी, सी डी, सी डी या डी सी, क्या इसको लेने से कोई लूप बन रहा है? सी डी देखते हैं, कनेक्ट करते हैं, सी और डी को कनेक्ट करने पे लूप नहीं बन रहा है, हम इसे ले सकते हैं। अभी ये पूरा कनेक्टेड हो गया, 1 2 3 4 5 6 वर्टाइसेस आ चुके हैं, 7 और आना है। एनीवे हम तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में वेट के बढ़ते जाएंगे। 7 के बाद देखते हैं 8, 8 है बिटवीन ए एंड बी, ए और बी को अगर हम कनेक्ट करेंगे तो फिर से एक सर्किट बन जाएगा, इसलिए इसको भी हम डिस्कार्ड करते हैं। नेक्स्ट वेट इज 9 है बिटवीन ए एंड बी, ए और बी को अगर हम कनेक्ट करेंगे फिर से सर्किट बनेगा, इसलिए इस वेट को भी हम डिस्कार्ड करते हैं, छोड़ देते हैं। नेक्स्ट वेट इज 10 बिटवीन डी एंड एफ, डी एफ, डी एफ को लेने पर कोई सर्किट नहीं बनेगा। अब ये सारे वर्टाइसेस आ चुके हैं, हमको 11 लेना नहीं, 11 सी एफ लोगे सर्किट बन जाएगा, वैसे भी काम कंप्लीट हो चुका है। 14 लेना नहीं, ए फॉर टू को कनेक्ट करेंगे फिर से सर्किट बन जाएगा, और स्पैनिंग ट्री के लिए सारे वर्टाइसेस इंक्लूड होना चाहिए, वो हो चुके हैं। तो अकॉर्डिंग टू पुष्कर एल्गोरिथम सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, ग्राफ में दिए हुए जितने भी वेटेज हैं उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में, दैट मीन्स नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करिए, लिस्ट करिए, फिर सबसे मिनिमम वैल्यू वाले एज को इंक्लूड करिए, फिर नेक्स्ट मिनिमम, ये सब करते समय ध्यान रखें कहीं कुछ सर्किट ना बन रहा हो। सो दिस इज अवर डिजायर स्पैनिंग ट्री और मिनिमम वेट के अकॉर्डिंग है। अगर इसका हम देखें टोटल वेट कितना हो, तो सबको काम प्लस कर दीजिए, 1 plus 2 plus 3 1 2 3 4 then 7 plus 1 2 3 4 7 and 10, टोटल के लिए कितना हुआ, 3 plus 3 6 plus 4 10 17 10 27, इसका क्या होगा, टोटल वेट होगा इस मिनिमल स्पैनिंग ट्री का। तो इस तरीके से पुष्कर एल्गोरिथम फॉलो करेंगे तो मिनिमम वेट वाले एज से आप बढ़ते जाएंगे, और ध्यान रखेंगे कि कहीं सर्किट आप ना बनाए। थैंक्स।